पहले मुझे आज मैं एक साथ दूसरी वीडियो लेके आ रही हूँ आपके सामने, जो है हमारा लेक्चर नंबर 9। और लेक्चर नंबर 9 में आज हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की, और वो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नेक्स्ट हमारी क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। अब क्या है ये ऑस्मोटिक प्रेशर, हम इसके बारे में ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में बात करते हैं कि क्या है ऑस्मोटिक प्रेशर और क्यों ऑस्मोटिक प्रेशर को भी हम एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। तो बार बार रिपीट करते रहना अपने माइंड में, जब क्वालिटेटिव वर्ड का नाम वर्ड आता है तो सबसे पहले पता होना चाहिए क्वालिटेटिव वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं। तो अगेन बार बार मैं बोलती हूँ, क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है? ये वही प्रॉपर्टीज है जो सोल्यूशन की है, पर ये किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे, नंबर पे डिपेंड करती है, नेचर पे डिपेंड नहीं करती है। आज की प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे तो इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है, पर कहाँ कैसे पढ़ेंगे हम ऑस्मोटिक प्रेशर? उससे पहले हमें इसमें से एक वर्ड निकालना पड़ेगा। ऑस्मोटिक प्रेशर से एक छोटा सा वर्ड निकालते हैं, अगर हमें उस वर्ड के बारे में नॉलेज होगी तो ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे लिए एक छोटा सा वर्ड रह जाएगा। अब हमने कहा इसे तोड़ के एक वर्ड निकालते हैं, और वो वर्ड हमने कौन सा ले लिया? ऑस्मोसिस। ये वर्ड ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस के बारे में बहुत अच्छे से सब जानते हैं, और स्पेशली प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो किस पे डिपेंड करते हैं? ऑस्मोसिस पे करते हैं। जो आपकी फ्लावर्स होते हैं, लीव्स होते हैं, उनकी जो एक्सपेंशन होती है वो भी किस पे डिपेंड करती है? ऑस्मोसिस पे डिपेंड करती है। प्लांट्स का पूरा खाने का काम, ट्रांसपोर्ट का काम जो है कहां से? ऑस्मोसिस से। तो ऑस्मोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ऑस्मोसिस है क्या? तो दो वर्ड एक्चुअली हमारे पास, एक वर्ड है हमारे पास ऑस्मोसिस और दूसरा वर्ड है हमारे पास डिफ्यूजन। पहले अगर हमें ये दो वर्ड अच्छे से आते होंगे तो आगे की कहानी और आसान होती जाएगी हमारे लिए। तो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन क्या चीजें हैं? अगर हम डिफ्यूजन की बात करें तो डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है भाई? चीज का स्प्रेड आउट कर जाना। वर्ड डिफ्यूज स्टैंड्स फॉर स्प्रेड आउट, मॉलिक्यूल्स का फैल जाना, मॉलिक्यूल का स्प्रेड आउट कर जाना, उसे हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। अब हम पहले इनको डिफाइन करते हैं कि दोनों में फर्क क्या है, डेफिनेशन से क्लियर आउट हो जाए। ऑस्मोसिस कहती है नेट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट और फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। किसका मूवमेंट है ये? ये नेट स्पॉन्टेनियस है। अब नेट स्पॉन्टेनियस वर्ड का मतलब, और मैंने नेट स्पॉन्टेनियस वर्ड क्यों रखा, ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट हो गया। ये अपनी आप होने वाली प्रोसेस है, इसमें मैं जितना भी चाहूं धक्का लगाने की कोशिश करना चाहूं नहीं हो पाएगा, अपनी आप होगी ये प्रोसेस। तो नेट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट किसका? सॉल्वेंट का, टुवर्ड्स सॉल्यूशन। जब सॉल्वेंट कहां? सॉल्वेंट जब सॉल्यूशन की तरफ मूव करने लगे तो हम उसे क्या कहते हैं? ऑस्मोसिस कहते हैं। दूसरी भाषा में हम इसे क्या कह सकते हैं? नेट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो डेफिनेशन में क्या लिख रही हूं? ब्रैकेट में कर रही हूं और करके, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब बताओ मुझे लोअर कंसेंट्रेटेड और हायर कंसेंट्रेटेड का मतलब क्या है? किसे बोलते हैं लोअर कंसेंट्रेटेड और किसे बोलते हैं हायर कंसेंट्रेटेड? तो भाई लोअर कंसेंट्रेटेड का मतलब क्या होगा? डाइल्यूट सॉल्यूशंस। हायर कंसेंट्रेशन का मतलब क्या होगा भाई? आपके कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशंस जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा होगी। सॉल्यूट मैक्सिमम, सॉल्यूट मिनिमम और इक्वल्स टू जीरो। डाइल्यूट सॉल्यूट मैक्सिमम कंसेंट्रेट, सॉल्यूट पे डिपेंड करती है कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन जब भी लिखा जाएगा मींस नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कितने प्रेजेंट है, सॉल्वेंट पे नहीं। कंसेंट्रेशन हमेशा सॉल्यूशन की किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। तो सॉल्वेंट
सॉल्वेंट कहाँ जा रहा है भाई? सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है। सॉल्वेंट कहाँ जा रहा है भाई? जहां पे सॉल्यूट की अमाउंट कम है वहां से निकल के दूसरी तरफ जहां पे सॉल्यूट की अमाउंट ज्यादा है उसे हम कहते हैं ऑस्मोसिस का होना। जैसे आपको मैं बताऊं, अगर एग्जाम्पल दू तो आप लोगों ने देखे हुए हैं, घर में हम एक पॉट लेते हैं, उस पॉट में हमने क्या किया, ब्लैक चने डाल दो, केजिंस डाल दो, आपने डाल दी। रात भर जब हमने उसको पानी के अंदर रखा तो पानी के अंदर रखने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग में क्या हुआ, हमने क्या देखा कि इन केजिंस ने, इन जो ब्लैक चना थे, इन्होंने क्या कर लिया था, वाटर को सोक कर लिया, वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया था। जब वाटर को इन्होंने एब्जॉर्ब कर लिया तो हुआ क्या, इनका साइज बढ़ गया। ये पहले इस साइज के थे लेकिन जब इन्होंने वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया तो वाटर कहां से, सॉल्वेंट जो था वो कहां जा रहा था, लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन की तरफ जा रहा था, तो ये क्या कर गई, स्वेल कर गई। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। क्या हमने यहाँ पे कोई प्रेशर लगाया था, हमने कोई भी यहाँ पे रोल प्ले नहीं किया, सब कैसा हो रहा था, स्पॉन्टेनिटी में हो रहा था, नेट स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, इसी वजह से हम इस प्रोसेस को कहते हैं। डिफ्यूजन क्या होती है, डिफ्यूजन कहती है मिक्सिंग ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, सोल्यूट और सॉल्वेंट की मिक्सिंग, वो इक्वल इक्वेशन का क्या कर जाए, मिक्स कर जाए। यहाँ डिफ्यूजन को सिंपल भाषा में हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, स्प्रेड आउट होना, स्प्रेड आउट। ऑस्मोसिस का ग्रीक वर्ड से लिंक है जिसका मतलब होता है, ग्रीक वर्ड से लिया गया जिसका मतलब होता है पुश, और डिफ्यूजन का मतलब है स्प्रेड आउट होना, फैलना। तो डिफ्यूजन कहता है नेट स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, डिफ्यूजन। तो भाई जब आपने परफ्यूम स्प्रे किया आपने अपने पास खड़े रह के आपने परफ्यूम स्प्रे किया तो परफ्यूम की सबसे ज्यादा कंसेंट्रेशन कहां थी, आपके पास थी। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वो जो गैस के मॉलिक्यूल्स थे जहां पे कंसेंट्रेशन ज्यादा थी वहां से फैलते हुए कहां चले गए, दूर दूर चले गए, और पूरे रूम में देखते ही देखते उसकी फ्रेग्रेंस बढ़ गई। इसका मतलब क्या हुआ, डिफ्यूजन हुई। डिफ्यूजन क्या होती है, डिफ्यूजन होती है मॉलिक्यूल्स का हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ चले जाना, उसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। अब दोनों में फर्क ढूंढते हैं कि ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या फर्क है। पहला फर्क क्या है, यहां पे वो बात करता है किसकी, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की। लेकिन डिफ्यूजन में किसकी बात करता है, वो सॉल्यूट भी हो सकता है आपका, सॉल्वेंट भी हो सकता है। यहां पे बात आती है लोअर कंसेंट्रेशन से हायर कंसेंट्रेशन की तरफ, यहां पे बात आती है हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन। अब सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या आएगा, ऑस्मोसिस हमेशा तब होगी जब यहां पे होगी एसपीएम, और एसपीएम क्या होगी आपकी, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस बिना इस मेम्ब्रेन के काम नहीं करती, लेकिन डिफ्यूजन में इस मेम्ब्रेन का कोई भी रोल नहीं है। अब हम पहले एसपीएम की बात कर लेते हैं कि ये एसपीएम क्या चीज होती है। एसपीएम तो क्या बोला, एसपीएम को हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक डेलिकेट सी मेम्ब्रेन होती है जो क्या करती है, सिर्फ और सिर्फ एलोस टू पास ओनली सॉल्वेंट। ये सिर्फ और सिर्फ किसको जाने देती है, सॉल्वेंट को जाने देती है, सोल्यूट को जाने नहीं देती है। इस मेम्ब्रेन से सिर्फ सॉल्वेंट जा सकता है, सोल्यूट इससे पास नहीं कर सकता। अब क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इस मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं और उन पोर्स का साइज क्या होता है, छोटा होता है। जो सिर्फ सॉल्वेंट जिनका साइज छोटा होता है उनको जाने देता है, सोल्यूट को रोक के रख लेता है। क्यों, क्योंकि सोल्यूट का साइज जो है सॉल्वेंट के कंपैरिजन में क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये डेलिकेट सी मेम्ब्रेन है जो सिर्फ किसको जाने देगी, सॉल्वेंट को जाने देगी, और परमिट
रेजिस्ट करेगी सोल्यूट के पार्टिकल्स को, रेजिस्ट करेगी उसको रोक के रखेगी। अब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो है नेचुरली और आर्टिफिशियल, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन आर ऑफ टू टाइप्स, नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स एंड आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। नेचुरल कौन सी, जो नेचर से मिली हमें, और नेचर से कहां से, प्लांट्स और एनिमल्स। अब प्लांट्स और एनिमल्स ने कहां सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, भाई आउटर मोस्ट लेयर जो प्लांट्स और एनिमल्स की होती है उस आउटर मोस्ट लेयर के बिल्कुल इनर साइड एक डेलीगेट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है जिसका नाम होता है SPM। और सबसे कॉमन जो हम, जो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन हम लोग नेचुरल SPM का यूज करते हैं वो क्या है, पिग्स की मेम्ब्रेन, पिग्स का ब्लड। सबसे डेलीकेट जो हम SPM यूज कर रहे हैं वो क्या है, पिग्स का ब्लड। आर्टिफिशियली जो हम लोग SPM को आजकल यूज कर रहे हैं वो कौन कौन सी है आपके पास, बात करते हैं पार्चमेंट पेपर, पार्चमेंट पेपर इसका यूज करते हैं हम लोग SPM की तरह, सेलोफेन यूज होती है आर्टिफिशियल SPM की तरह, और हमारे पास कुछ फ्रेशली प्रेसिपिटेटेड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है जिनको हमने आर्टिफिशियली प्रिपेयर कराया है जो किसका काम कर सके, SPM का काम कर सके। और वो फ्रेशली प्रेसिपिटेटर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या क्या है आपके, कॉपर, फेरो साइनाइड। कॉपर फेरो साइनाइड आर्टिफिशियली बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं एज SPM। एक एग्जांपल की और बात कर लेते हैं हम लोग, सिलिकेट्स ऑफ आयरन हो गया एटसेट्रा, ये भी हम यूज करते हैं आर्टिफिशियली और जो किसका काम करेगी, SPM का। और SPM क्या होती है, जो सिर्फ सॉल्वेंट को जाने देती है सोल्यूट को जाने नहीं देती है। अब हम आएंगे आज के टॉपिक पे जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर, जल्दी से रब करते हैं वो ऑस्मोटिक प्रेशर आज का टॉपिक। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग जानते हैं, इसको एक और नाम दे सकते हैं हम लोग इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक, इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को हमने क्या नाम दे दिया भाई, इक्विलिब्रियम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब वाटर जो प्रेशर अप्लाई करेगा, अब कैसे वाटर प्रेशर अप्लाई करेगा अब हम देखते हैं। और क्यों हमने ऑस्मोटिक प्रेशर को कहा, ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब क्या है भाई, ऑस्मोसिस को रोकना, ऑस्मोसिस पे अगर हम प्रेशर लगा दे तो उसी को हम क्या कह देंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर कह देंगे। क्या कहा हमने कि भाई जब ऑस्मोसिस को रोकना है, इन ऑर्डर टू प्रिवेंट ऑस्मोसिस द प्रेशर वी आर गोइंग टू अप्लाई इज नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर, उसी प्रेशर को हमने ऑस्मोटिक प्रेशर कहा। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करेंगे पाई के साथ, वॉन हॉक ने इसकी बात की थी, तो पाई के साथ हम इसे रिप्रेजेंट करें इस प्रेशर को। पर ये प्रेशर कहां लग रहा है उसके लिए हमें हेल्प लेनी पड़ेगी एक डायग्राम की। तो मेरे पास ये डायग्राम है, हम एक काम करते हैं एक सिंगल बीकर लेते हैं, एक सिंगल बीकर लिया और इस सिंगल बीकर में हमने क्या लगा दी, हमने लगा दी यहां पे SPM फॉर सेपरेटिंग बोथ द बीकर्स। इन दोनों बीकर्स को सेपरेट करने के लिए हमने क्या लगा दी, SPM। और थोड़ी देर पहले हमने बात की थी SPM के बारे में, हमें शॉर्ट फॉर्म यूज करी SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। भाई ये देखना कि ये बड़ा दिख रहा है ये छोटा दिख रहा है, ऐसा नहीं है, दोनों सेम साइज में सेम क्वांटिटी लेके चलेंगे। और सेपरेट कर दिया SPM से, इस तरफ मैंने फिल कर दिया तो यहां पे है आपका सॉल्यूशन, यहां पे है आपका सॉल्वेंट।
एक तरफ सॉल्यूशन और एक तरफ आपका सॉल्वेंट। ये आपका सॉल्यूशन और ये आपका सॉल्वेंट। अब बात आ रही होगी दोनों में फर्क क्या है, ये तो दोनों सेम दिख रहे हैं हमें, तो सॉल्यूशन में क्या है? सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। सॉल्वेंट सॉल्वेंट तो दिख रहा है सेम, सॉल्यूट तो बनाने पड़ेंगे, तो हमने ये क्या कर दिए, ये बना दिया हमने सॉल्यूट के पार्टिकल्स, ये सॉल्यूट पार्टिकल्स आ दिया हमें इसके बीच, तो डिफरेंस आ गया। ये सॉल्यूशन साइड है और ये आपकी सॉल्वेंट साइड है। अब आपको पता है कि एटमॉस्फेयर भी प्रेशर लगा के चल रहा है, तो यहां पे एटमॉस्फेयरिक प्रेशर भी एग्जिस्ट कर रहा है। अब हुआ क्या, अब हुआ ये कि हम ऑस्मोसिस पढ़ के आए, तो ऑस्मोसिस कहती है यहां का पानी, ये सॉल्वेंट एसटीएम से क्रॉस करेगा, एसटीएम से क्रॉस करेगा तो कहां जाएगा, सॉल्यूशन की साइड जाएगा। क्यों? क्योंकि एसटीएम सिर्फ किसको जाने देती है, सॉल्वेंट को जाने देती है, तो सॉल्वेंट कहां से हायर कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन की तरफ जा रहा है, पर किसकी, अपनी हायर कंसेंट्रेशन से अपनी लोअर कंसेंट्रेशन में जा रहा है। यहां सॉल्वेंट ज्यादा है, अपनी इसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा है, तो यहां पे एसटीएम से सॉल्वेंट इस तरफ आ रहा है। जब एसटीएम से सॉल्वेंट इस तरफ आ रहा है तो होगा क्या, एक ऐसा टाइम आएगा जब यहां सॉल्वेंट का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, सॉल्वेंट बढ़ता जाएगा, इसको हम दूसरे बीकर में दिखाते हैं। होगा क्या जब यहां पे आएगा, तो होगा क्या कि हमारे पास एसटीएम डाली हमने, इधर पानी बढ़ता जाएगा, सॉल्वेंट यहां पे बढ़ना स्टार्ट हो गया और यहां वाली साइड क्या हो गया, सॉल्वेंट घटना स्टार्ट हो गया, ये सॉल्यूट पड़ेगा। पर हम चाहते हैं कि भाई अगर ये जाता जाएगा तो सॉल्वेंट यहां तो होता जाएगा, हम चाहते हैं कि ये जितना था उतना ही रहे, ये जैसा था वैसा ही रहे, तो इसके लिए हमने क्या किया, इस सॉल्वेंट साइड एक प्रेशर एग्जर्ट किया, सॉल्यूशन साइड हमने एक प्रेशर लगाया। बट कीप इन योर माइंड, यहां पे ऑलरेडी प्रेशर था, वो कौन सा प्रेशर था, एटमोस्फेयरिक प्रेशर था, इसका मतलब हमें एटमोस्फेयरिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगाना है, तो हमने क्या किया, इस तरफ प्रेशर अप्लाई किया, जो प्रेशर एटमोस्फेयरिक प्रेशर के ज्यादा था, तो मतलब एक तो प्रेशर यहां था पी एटमोस्फेयरिक, प्लस हमने प्रेशर लगा दिया पाइप, जिसको हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। कौन सी साइड लगाया, सॉल्यूशन साइड लगाया। तो ध्यान से देखना क्या कहता है ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कहता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कह रहा है, वेन मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा प्रेशर, मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन साइड, ऑन द सॉल्यूशन साइड इन ऑर्डर टू स्टॉप ऑस्मोसिस। ब्रैकेट में कर लो, इन ऑर्डर टू स्टॉप मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। जब हम सॉल्यूशन साइड एक्स्ट्रा प्रेशर लगाएंगे, उसको हम क्या करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर करेंगे। क्या कहेंगे उसे हम लोग, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये क्या है हमारा, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पाइप के साथ। अब इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखते हैं हम लोग मैथमेटिकली, हम इसकी बात करते हैं। तो हमने कहा पाइप, ऑस्मोटिक प्रेशर पाइप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, और सी क्या हमारा, और एम मोलैरिटी। पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, पाई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब हमने दोनों इक्वेशंस को जोड़ा, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को जब हमने जोड़ा, तो हमारे पास नई थर्ड इक्वेशन क्या निकल गए, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
कौन सा आ गया, आर कॉन्स्टेंट आ गया, पाई इज इक्वल्स टू आर सी टी के बराबर हो गया। भाई आपका ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा किस पे डिपेंड करेगा, कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, मोलैरिटी पे डिपेंड करेगा। पाई जो है वो किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। जब इन दोनों इक्वेशंस को जोड़ा तो नई इक्वेशन आ गई, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी टी। हमें पता है इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाना पड़ता है, हमने इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाया तो हटाते क्या है, पाई इज इक्वल्स टू आर सी टी। अब जरा लिख लेते हैं हम लोग, आर क्या है यहाँ पे, आर को जब हमने स्टडी किया तो ये आर एग्जैक्टली वही आर निकल के आया जो कौन सा आर था, गैस कॉन्स्टेंट का। तो आर क्या है आपका, गैस कॉन्स्टेंट, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट निकला। सी क्या है आपका, कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन है आपका। और टी क्या है आपका, टेम्परेचर। तो पाई क्या था, ऑस्मोटिक प्रेशर था। ऑस्मोटिक प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर विद रिस्पेक्ट टू गैस कॉन्स्टेंट। और ये गैस कॉन्स्टेंट आपका क्या है, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, जो हम लोग लास्ट इक्वेशन में पढ़ते थे। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। वो कैसे मॉडिफाई करेंगे, हमें पता है सी कंसंट्रेशन किसके बराबर होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैरिटी भी यही होती है, मोलैरिटी और नंबर ऑफ मोल्स सेम होते हैं। तो बोलते हैं मोलैरिटी कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, और कंसंट्रेशन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो हमने जब इस वैल्यू को यहां पुट किया, इधर पुट किया, तो मेरे इक्वेशन क्या बन गई, पाई इज इक्वल्स टू एन अपॉन वी आर टी। सी की जगह मैंने ये पुट कर दिया, सी की जगह मैंने इसे पुट किया, तो मेरी इक्वेशन ये बन गई। अगर मैं वी वॉल्यूम को इधर ले जाऊं तो क्या बन जाएगा, पाई वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। क्या इक्वेशन बन जाएगी, पाई वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब मुझे जल्दी से बताओ पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पाई प्रेशर ही तो है, तो पाई इज इक्वल टू पी ही तो है। तो अगर मैं इसको लिखू पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो आप सबके माइंड में जल्दी से एक बात आ जाएगी, और वो क्या आएगी, यार ये तो जानी पहचानी, ये तो अपनी आइडियल गैस इक्वेशन है जो हम 11th क्लास में पढ़ के आए हैं, गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, दैट इज Pp इज इक्वल्स टू एन आर टी। तो यही तो आपको ऑस्मोटिक प्रेशर है। ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या कहती है, ये भी तो यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट को लेकर चल रही है। तो पाई वी इज ऑलवेज इक्वल्स टू एन आर टी की बात कर रहा है। अब हम बात कर लेते हैं इस गैस कॉन्स्टेंट आर की। तो ये गैस कॉन्स्टेंट आर की वैल्यू क्या होती है आपकी, 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। इसके क्या है यूनिट्स, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट आर 0.0821। तो ये क्या है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर पाई, और पाई क्या है आपका, आर सी टी के बराबर है। और यही पाई जो है हमने जब इसमें वैल्यू कंसंट्रेशन की पुट की तो क्या बन गई, पाई बी इज इक्वल टू एन आर टी। एग्जैक्टली कौन सी इक्वेशन के बराबर आई, जो आइडियल गैस इक्वेशन था पी बी इज इक्वल टू एन आर टी के बराबर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या था भाई, एक ऐसा टाइम आया जब सॉल्वेंट जाता जाता सोल्यूशन साइड चला गया और सोल्यूशन बढ़ने लगा। हमने कहा कि सॉल्यूशन हमें नहीं चाहिए ज्यादा, हमें वही पुरानी वाली पोजीशन वापस चाहिए। हमने सॉल्यूशन साइड क्या किया, प्रेशर अप्लाई किया, वो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए। उस प्रेशर को हम रिप्रेजेंट करते हैं पाई के साथ। जब हमने उस प्रेशर को लगाया तो सॉल्वेंट वापस आ गया। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या किसी एक टाइम पर बहुत सारा सॉल्वेंट सॉल्यूशन साइड से सॉल्वेंट की तरफ आ सकता है? यस ऑफ कोर्स, उस टर्म को हम कहेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या कहेंगे हम लोग, रिवर्स ऑस्मोसिस कहेंगे। ये टर्म आ जाएगी आपकी रिवर्स ऑस्मोसिस। सिर्फ चेंज कहां पे आएगा डेफिनेशन में, चेंज आएगा व्हेन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा प्रेशर, व्हेन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा प्रेशर, व्हाट एवर यू लाइक, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा प्रेशर और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा प्रेशर। जब किस साइड लगाओगे, सॉल्यूशन साइड लगाओगे,
तो उस सॉल्यूशन का सॉल्वेंट भी कहां जाना स्टार्ट हो जाएगा, सॉल्वेंट की साइड जाना स्टार्ट हो जाएगा, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। तो रिवर्स ऑस्मोसिस को तोड़ना, मैंने रिवर्स ऑस्मोसिस का आर ले लिया, ऑस्मोसिस का ओ ले लिया, तो क्या बन गया आर ओ। तो जो आपके आर ओ कैंट आपके घर में लगे हुए हैं, वाटर प्यूरिफायर्स लगे हुए हैं, उनकी वर्किंग किस पे डिपेंड करती है, रिवर्स ऑस्मोसिस पे करती है। वो क्या करते हैं, वो आपके वाटर को प्यूरिफाई करते हैं, किस प्रोसेस से, इस प्रोसेस से जिसमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रेशर जब सॉल्यूशन साइड लगता है तो इम्प्योरिटीज एक तरफ रह जाती हैं, तो पूरा का पूरा सॉल्वेंट क्या करता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से पास ऑन कर जाता है। तो इस कंटेनर में आप क्या कलेक्ट कर लेते हो, प्योर सॉल्वेंट कलेक्ट कर लेते हो। डीसैलिनेशन ऑफ द वॉटर, वही आपको पता है समुद्र का खारा पानी, वो भी इस ऑस्मोसिस से क्या किया जा सकता है, प्यूरिफाई किया जा सकता है। तो ये है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर जो पाई से रिप्रेजेंट करते हो। लेकिन जब ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर देते हो तो प्रोसेस कन्वर्ट हो जाती है रिवर्स ऑस्मोसिस में। तो आज के लेक्चर में हमने बात की अपनी लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसे रिप्रेजेंट किया गया पाई के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के न्यूमेरिकल्स, प्लस हम देखेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों बन गई। थैंक यू।